दोस्तों, ये वीडियो है आप में से बहुतों की फेवरेट मैगी को बनाने वाली कंपनी नेस्ले के बारे में। नेस्ले जो फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाती है, और अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें ये बताया गया कि नेस्ले के लगभग 60% प्रोडक्ट अनहेल्दी हैं। मतलब अगर हम इनके प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, मे बी इट इज़ रिस्की। और ये बात किसी दूसरे ब्रांड ने नहीं बताई, बल्कि नेस्ले ब्रांड ने ही एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें पूरी की पूरी जानकारी दी है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि नेस्ले के फेमस प्रोडक्ट जिनका एक न्यूट्रिशन इंडेक्स में जो उनकी वैल्यू होनी चाहिए उसको फॉलो ही नहीं करते। और इनके कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे भी हैं जिनको ये कितना भी चेंज कर लें या फिर रिफाइन कर लें, उनको सही मतलब उनको हेल्दी बनाया ही नहीं जा सकता। नेस्ले के 37% प्रोडक्ट ही हेल्थ रेटिंग में ठीक ठाक है। एक्चुअली किसी भी इडेबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक न्यूट्रिशन वैल्यू डिसाइड की जाती है, एक हेल्थ रेटिंग डिसाइड की जाती है जिसके अकॉर्डिंग ही खाने वाली चीज़ों को बनाया जाता है और जो कि पूरी दुनिया में फॉलो भी किया जाता है। नेस्ले की वन ऑफ द फेमस प्रोडक्ट मैगी, जिसको ये चिंटू आलसियों का फूड कहता है, इनके किट कैट नेस्कैफे जो कॉफ़ी है भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ तक ये कंपनी खुद ही बोलती है कि शुरू से इनके कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं हैं, इनको कितना भी चेंज कर लिया जाए उनको हेल्दी बनाया ही नहीं जा सकता। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि नेस्ले इन सारी चीज़ों से अवेयर है और भविष्य में कोशिश करेगी कि कंज्यूमर हमें और आपको न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट ही बेचे, जिसके लिए नेस्ले अपने प्रोडक्ट में से 14-15% सोडियम और शुगर में कटौती करेगा। सोडियम का यूज़ खाने वाले प्रोडक्ट में इसलिए करते हैं ताकि उस फूड को लजीज टेस्टी बनाया जा सके। और आपको एक चीज़ मैं ये बता दूं कि हमारी बॉडी को बहुत कम सोडियम की ज़रूरत होती है, जो कि हमें मिल्क या मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे मिल जाती है। और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि मिल्क में जो सोडियम मिलता है वो नेचुरल सोडियम होता है। और अगर यही सोडियम हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और शुगर की जरूरत हमारी बॉडी को कितनी है उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू रीड डिटेल्ड आर्टिकल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और हाँ, टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ है। बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपकी वीडियो कैसी लगी? अगर आपका कोई सजेशन या फिर कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।